त्योहार को क्यों रखा है, इसे ध्यान से सुनना सब। कि एक बार जब मेरे प्रभु श्री राम वनवास भोग रहे थे, 14 वर्ष के वनवास में थे, तो जब लक्ष्मण जी जंगल में निकल गए थे और उस समय सीता जी को प्यास लगी थी, जब सीता मैया को प्यास लगी तो भगवान श्री राम से सीता मैया ने पानी मांगा, प्रभु प्यास लग रही है क्या। सुनो भूप धरि ध्यान, अरे कहीं अब जनक दुलारी है, जल दिखाई नहीं दिया, जब पानी दिखाई नहीं दिया, और उस समय सीता जी को जब बेचैन देखा, चारों तरफ भगवान राम पानी पर नजर कर रहे थे, उसी समय एक मोर आया था सामने, और तब मोर ने कही कि प्रभु चिंता मत करो, पानी की तलाश में मैं चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन रास्ता में अंतर था, मोर आकाश मार्ग से जाता था और भगवान राम नीचे थे। तब भगवान राम बोले कि मोर बात तुम्हारी सही है, लेकिन रास्ता दोनों के अलग अलग है। मोर ने कहा प्रभु चिंता मत करो, मैं जैसे चल रहा हूं तो रास्ता में एक एक अपना पंख गिराता हुआ जाऊंगा मैं, उसी निशाने पर तुम चलते जाना। उसी समय मोर पंख को गिराता गया, भगवान राम उस निशाने पर चलते गए, लेकिन सरोवर के पास जब तक मोर पहुंचा तब तक आखिरी पंख गिर गया, कुछ नहीं बचा शरीर पे। अब आज भी देख लो तुम, जितने भी ये पंख हैं मोर के शरीर में, तुम सब खींच लेना, मोर जिंदा नहीं बचेगा, आज भी नहीं बचेगा। तो जब सब पंख गिर गए थे और तब तक भगवान राम पानी तक पहुंच गए थे, उसी समय मोर के जब प्राण बेचैन हुए, तब कही प्रभु अब मैंने तुम्हारे हित में इतना त्याग किया कि मैं अब अपने शरीर को छोड़ के जा रहा हूं, अब मेरे प्राण नहीं बचे। श्याम लाला जी घासीपुर से, ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, 500 रुपए भंडारे के लिए उनके। ₹51 परीक्षक जी के लिए दिए हैं उन्होंने, घासीपुर के जो श्याम लाला, उनकी तरफ से हमारे परीक्षक जी को भी पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। जीवन में ध्यान रखना मेरे ठाकुर जी देते कितना है। आज भगवान श्री राम के सामने उस मोर ने अपने शरीर को त्याग दिया था,
उस समय श्री राम ने कहा था, मोर चिंता मत करना, तेने आज मेरे पीछे इतना बड़ा त्याग किया है अपने एक एक पंख को, और तेने मेरे सीता के प्यास के चक्कर में धरती पर गिरा दिया। अगले अवतार में जब द्वापर में शरीर धारण करके आऊंगा तो तेरा सम्मान इतना बना दूंगा कि तेरे पंख जो धरती पर गिरते गए उनमें से एक पंख में अपने सिर पर धारण करके रहूंगा 24। इतना देते हैं ठाकुर जी, अगर कोई मांग के तो देखे, कोई उसके पीछे त्याग करके तो देखे। सोता बंधो, चलो चाचा जी जल्दी करो। तो उस समय भोलेनाथ भगवान कन्हैया कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तो आज बांसुरी बजाना शुरू किया, और वो रात कौन सी थी? वो रात थी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आज भी देखना, तो शरद पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाश करता है 12 पूर्णिमा से सबसे ज्यादा। तो आज भगवान ने बंसी बजाई है, और जैसे ही बंसी बजी है गोपिकाओं की हालत क्या थी? और 500 रुपए की हर माला से हमें सम्मानित किया है ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह जी। ये हमारे अशोक चाचा जी के सुपुत्र हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। हेलो, हाँ बोल दो। अरे मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया ऐसी मधुबन I'm
गोपाल सिंह चाचा मुनेश चाचा बैठे हैं उधर ले जाओ क्या चलो नाच बैठो तो